ट्रिप ए को भी हमने जीरो कर दिया है और ट्रिप बी को भी हमने जीरो कर दिया है। ओके, नाउ लेट्स पुट द कंफर्ट मोड इन एंड लेट्स स्टार्ट द कार, लेट्स गेट गो। सो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज जो दिन है वो है फ्राइडे का, और आज जो तारीख हुई है वो है 26 फरवरी। नाउ ये जो वीडियो है वो इसलिए बन रहा है क्योंकि अभी शुरू होने वाली है हमारे राइड की तैयारी। और ये जो नई राइड है, ये जो नई पूरी सीरीज़ है, बहुत लंबी सीरीज़ रहने वाली है दोस्तों। बहुत सारे एपिसोड्स हो गए, बहुत सारी चीज़ें जो है वो कवर करने वाले हैं। मोस्टली वन स्टेट को कवर करने की कोशिश करने वाले हैं। वो नई सीरीज़ की पूरी तैयारी जो है वो आज हमें करने की है। तैयारी के अंदर तीन चीज़ें हैं जिसके बारे में मैं आपको अपडेट दे देता हूँ। पहला चीज़ है कि ड्रोन, ड्रोन इज़ मस्ट। और ड्रोन आप लोगों को पता है कि वर्क नहीं कर रहा है इन दिनों में, और उसको वर्क करने के लिए कल हमें सुबह में अर्ली मॉर्निंग जाना पड़ेगा मुंबई। दूसरा अपडेट है कि हम इस ट्रिप में प्लूटो को हम अपने साथ लेके जाएंगे, राडो को यहाँ पे ही रखेंगे प्रवीण सर के घर, तो वो है। और तीसरा अपडेट है कि जो कार है वो बहुत ही अभी नो लाइक बहुत सारी ट्रिप्स करने के बाद अभी उसको भी थोड़ा सर्विसिंग की ज़रूरत है। तो वो कार सर्विसिंग मतलब लाइक नॉट प्रॉपर ऑयल एंड लाइक दैट, बट जो कार का जो सर्विसिंग है वो करवाना पड़ेगा, एटलीस्ट उसको वॉश करवाना पड़ेगा। और ये सब चीज़ें तो है ही है, और उसके साथ साथ यू नो बैक पैकिंग, जो डिजिटल जो सामान है वो सब चीज़ों का पैकिंग भी है जो मैं आप सब लोगों को बताने वाला हूँ। हम क्या क्या पैक कर रहे, क्या क्या सामान ले रहे, और ये जो पूरी सीरीज़ है उसका कुछ नाम मैं सोच रहा हूँ। तो लेट जस्ट थिंक क्या नाम है। अगर आपके पास भी कोई इनोवेटिव नाम है तो प्लीज़ डू कमेंट टू दिस सीरीज़। और तब तक आप गेस भी करो कि ये पूरी सीरीज़ जो है वो किस स्टेट के अंदर रहने वाली है। तो टिल दैट टाइम यू नो लेट्स गो एंड स्टार्ट आवर डे। चमचमाती कार जो है वो तैयार हो चुकी है अंदर से, और बाहर से और अभी भी क्लीनिंग चल रही है चकाचक वाले। अब चमचमा दी गई। सो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड नाउ अभी मॉर्निंग हो गई है। मॉर्निंग का टाइम अभी हुआ है 7। सबसे पहला काम है ड्रोन को रिपेयर करवाना, और उसके लिए सबसे पहले जाने की ज़रूरत है वो है मुंबई। सो सबसे पहले जाएंगे हम मुंबई, और उसके बाद मुंबई जाने के बाद हम प्लान करेंगे कि क्या यहाँ पे नेक्स्ट जाने का है, एंड फिर उसके बाद की तैयारी आप लोगों को पता चली जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट द जर्नी एंड मिलते हैं तपन, यू नो टेक केयर। एंड अभी इस बार ट्रिप में तपन साथ में नहीं है, लेकिन तपन को हम जलाते रहेंगे इंस्टाग्राम स्टोरीज और वीडियोस से। ये मरीज
छोटी वाली बैग नीचे तो नहीं आ सकती। नहीं तेरा लैपटॉप डैशबोर्ड में ही आ जाएगा। डैशबोर्ड तो आप देखो अभी पूरा जो सामान है वो कैसे सेटअप किया हुआ है। तो ये पूरा कैमरा का इक्विपमेंट और लैपटॉप का बैग है, यहाँ पे भी कैमरे की इक्विपमेंट है, यहाँ पे भी ये डॉक का सामान रखा हुआ है। ये पूरी इतनी बड़ी बैग रखी हुई है, ब्लूटूथ को यहाँ पे बांध दिया है। तो ब्लूटूथ को अगर यहाँ से देखना हो तो भी देख सकते हो, उसको वेंटिलेशन मिल जाएगा। अगर यहाँ पे आप आओगे तो ये जो सीट है वो मैंने ऐसे ही बिछा दिया क्योंकि वैसे भी कोई बैठने वाला नहीं है अभी, तो इसको यहाँ पे बिछा दिया। और यहाँ पे जो एक बैग और यहाँ पे रखी हुई है, एक बैग नमो की वहाँ पे और एक रखी हुई है। तो मतलब कि अगर आप देखने जाओ तो पूरा का पूरा जो पीछे का जो सेटअप है वो पूरा का पूरा अभी फुल हो चुका है। अभी आई थिंक सब डन, ओके बाय बाय। और ध्यान रखना आप लोगों का। अभी जो समय हुआ है वो हुआ है 8:15 और हम पहुंचे हुए हैं खड़की। आपको एक एक रोड जो है वो नहीं बताने, इसीलिए अभी क्या है कि हम जस्ट लोकेशन पे पहले पहुंचते हैं। सबसे पहला जो टारगेट जो मेन रहने वाला है वो ये है कि हम मुंबई पहुंचे, बीच में रुकेंगे चाय कॉफ़ी के लिए, ब्रेक लेंगे। बट अच्छी नींद कंप्लीट किए हैं और ये जो पूरी गुजरात सीरीज जो है वो बहुत ही लंबी सीरीज रहने वाली है। सो लेट्स जस्ट सी के हमें कितना अच्छा जो चीज़ है वो यहाँ पे देखने मिलता है। ये पूरा जो एरिया है वो पूरा कैंटोनमेंट एरिया है और ये गुजरात सीरीज के अंदर ये सीरीज़ बहुत लंबी रहने वाली है, जिसके अंदर बहुत सारे एपिसोड्स होंगे, जिसके अंदर फूड, ट्रैवल, दोस्तों के साथ मस्ती, रीयूनियन। क्योंकि इस बार जब मैं जा रहा हूँ तो मैं बहुत सारे मेरे सोसाइटी के जो फ्रेंड्स हैं उनको, बहुत सारे मेरे स्कूल के फ्रेंड्स, कॉलेज के फ्रेंड्स, इन सभी लोगों से मिलने का प्लान बना रहे हो, तो वो एक नई चीज़ रहने वाली है। बाकी तो आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है। एक मिनट, लेट्स जस्ट क्रॉस द वे, ओके। तो हाँ, तो बात वही थी, अभी ये जो प्रिपरेशन बन रही है और ये जो पहले एपिसोड है तो जो मैं नाम है वो नहीं दे रहा हूँ, बट इस सीरीज को नाम जो देना है उसके लिए आपको, जैसे मैंने कहा था, आप एक काम करो, आप मेरे को कमेंट में बताओ कि कौन सा नाम जो है वो हम इस गुजरात सीरीज को हम दे सकते हैं, और जिसका भी नाम सिलेक्ट होगा उसको हम क्रेडिट देंगे। और देखते हैं फिर कौन सा नाम सिलेक्ट होता है। बस अभी आप रोड एंजॉय करो, हम पहुंचते हैं और मिलते हैं आपको नेक्स्ट लोकेशन पे।
फाइनली अभी हम पहुंच चुके हैं मुंबई, और हमें जाने का है जो एरिया में, वो है फोर्ट एरिया। और थोड़ा सर्दी जुकाम हो गया, चिंता मत करना, वो सीजनल वाली सर्दी है, रोग वाली सर्दी नहीं है। एक मैप के लिए भी स्टैंड लेने का है। हाँ तो दोस्तों, गुड इवनिंग हो गई है, 4 बज चुके हैं, और हमें अभी जो हमारा ड्रोन है वो मिलने वाला है, तो क्योंकि जो ड्रोन है वो रिपेयर हो चुका है। अभी तक मैं गाड़ी में सो ही गया था, अभी सोने के बाद हम बाकी की जो ड्रोन लेने के बाद बाकी की जो जर्नी है वो शुरू करेंगे। तो फर्स्ट लेट्स टेक द ड्रोन एंड उसके बाद अपने आप आपको मिलता हूँ। दिस आर द स्ट्रीट्स ऑफ बॉम्बे। तो फाइनली ड्रोन जो है वो रिपेयर हो चुका है, और 8,000 रुपये का चंदा लगा है इसके लिए। और अभी हम जाने वाले हैं यहाँ से सीधा, मुंबई से सीधा एक लोकेशन पे। हम आपको रास्ते में उसके बारे में बताते हैं, लेकिन हमारी जो गुजरात का जो सीरीज़ है उसकी शुरुआत जो है वो हम धमाकेदार करना चाहते हैं, और उसी की वजह से जो अभी हम पहले लोकेशन पे जा रहे हैं। So let's just get go. तो दोस्तों, अभी 5.5 घंटे की राइड करने के बाद मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ नासिक। और ये नासिक के अंदर हमने होटल वैशाली, आप देख रहे होंगे वहाँ पे होटल वैशाली में हमने बुकिंग किया है। अभी जो सोने का मैटर है, सिर्फ सोना ही है, और फिर सुबह में फिर से जर्नी शुरू करनी है। तो सबसे पहले जल्दी से खाना खा लेते हैं, और उसके बाद बहुत टायर्ड है आज का जो ये व्लॉग है, फिर उसको एंड करेंगे। तो पहले चलो जल्दी से पहले खाना खा लें। पहली क्विक आइटम आ गई है हमारे पास, ये है मसाला पापड़ और सादा पापड़। सबसे पहले ये खाएंगे। मैंने एक बाइट तो ले भी लिया, इतना भूख लगी, इतना थकान लगा, बहुत ही ज़्यादा थक गए थे, बैठे बैठे भी थके और गाड़ी चला के भी थके। तो अभी ये जो है वो है कढ़ाई पनीर, ये कढ़ाई पनीर है, रोटी है और ऑनियन है और दाल राइस बाकी रहेंगे। कैसी है दामू सब्जी? बहुत अच्छी है, फिर आपको। दोस्तों अभी बहुत थक चुके हैं, तो लेट्स जस्ट एंड दिस व्लॉग ओवर हियर। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आता है, आपको अच्छा लगता है, तो डू लाइक कमेंट एंड शेयर। एंड अब फिर से रिमाइंड करवा देता हूँ आप लोगों को क्वीज़ के बारे में, कि जो क्वीज़ है उसमें आपको गुजरात सीरीज जो हमारी होने वाली है उसका आपको परफेक्ट हैशटैग बताना है, परफेक्ट नाम बताना है, और जो नाम हम सिलेक्ट करेंगे उसको हम क्रेडिट देने वाले हैं पूरी गुजरात सीरीज के अंदर। सो उसी के साथ टाटा बाय, सिया एंड हैव अ ब्लेस्ड डे।